गोरखपुर जिले में सोमवार को 164 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,277 हो गई है। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 4 बुजुर्ग पुरुषों और एम्बुलेंस में 1 बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हुई है। अब तक 246 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। 13,542 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1489 कोरोना संक्रमित मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि शहर में 100 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को सबसे अधिक 33 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 20, कैंट थाना में 17, रामगढ़ताल में 4, कोतवाली में 9, गुलहरिया में 5, तिवारीपुर में 9, चिलवाताल में 1, राजघाट में 2 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 54 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें चरगवां में 29, सहजनवा में 1, खोराबार में 10, पिपराइच में 3, कौड़ीराम में 4, गोला में 1, सरदारनगर में 2, ब्रह्मपुर में 1, उरवा में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 10 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।